नमस्कार, मैं पूनम शर्मा तत्काल टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए अब तक की मुख्य खबरें। इंदौर में 4 दिवसीय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो शुरू हुआ आज से। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 29 घंटे बाद जेल से छूट पाए, जेल पहुंचे बड़े नेता। इंदौर में आज से शुरू हुआ इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें देश विदेश की कई बड़ी हस्तियों ने की शिरकत। 23 दिसंबर को होगा समापन। नागरिकता कानून के विरोध में मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा है बवाल। 8 जनवरी को बैंक और बीमा कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, कई ग्राहकों पर पड़ेगा असर। लखनऊ में CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 10,000 लोगों पर FIR, 600 अरेस्ट। भीमा कोरेगांव केस की जांच के लिए SIT गठित, CM से करेंगे मांग, बोले शरद पवार। रांची की निर्भया को 3 साल बाद मिला न्याय, दोषी राहुल रॉय को मिली फांसी की सजा। 26.7 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स का डेटा हुआ लीक, सिक्योर नहीं था सर्वर। सरकार की सफाई, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे या जिनके माता पिता की पैदाइश इससे पहले की थी वो भारतीय हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में, फ्लाइट ने डाइवर्ट और कई ट्रेनें हुई लेट। गाजियाबाद में 3600 लोगों पर केस दर्ज, 3200 लोग अज्ञात, तलाश में जुटी पुलिस। जयशंकर ने CCA के खिलाफ बोलने वाली समिति की रद्द की बैठक, अमेरिकी नेताओं ने जताई नाराजगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ाए 7 फौजी। ट्रंप बोले ट्रेड वॉर का जल्द हो सकता है खात्मा। रोहित का बल्ला उगल रहा है आग, खतरे में कोहली का बड़ा रिकॉर्ड। अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।